बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने डाला वोट। मायावती का दावा, अब की बार माया सरकार। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं। चौथे चरण की वोटिंग के तहत बसपा अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। मायावती ने मीडिया के सर्वों की हवा निकालते हुए पूर्ण बहुमत का दावा किया। सबसे पहले मेरे मतदाताओं से, चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। विधानसभा कैसी दिख रही है? जो लग रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। और खास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं और मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया की कसूरवार नहीं हूँ, उनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ। जो एजेंसियों ने अभी सर्वे दिखाए हैं तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे ही सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर वन पर आई। इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाएगा और बीएसपी नंबर वन पर आएगी। आपको 208 क्या उम्मीद लग रही है? आपको 208 मिले थे 2007 में, क्या लगता है इस बार आगे बढ़ेगी? मैं जो आपको बता रही हूँ, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, आपको इंतजार करना। थैंक यू मैडम। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर भी जबरदस्त निशाना साधा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है, देखो, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहे हैं। तो ये तो इसकी ज्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो सीट वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया, तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात रही, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यदि वो अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, वो तो नाम उन्होंने बदल दिया, भदोही कर दिया। तो ये नकली अम्बेडकरवादी है, असली नहीं है। बीएसपी को पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह
इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। भैया ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है, और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म, जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है, और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज, ये मालूम है यूपी की जनता को। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बीएसपी के बारे में नहीं, उनको अपने बारे में बताना चाहिए उनकी हालत क्या है। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा, चेहरा उतरा हुआ है उनका, उनके जो अनुयायी है उनका उतरा हुआ है। और अभी से आपने देखा होगा कि कितनी उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े ख़राब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले, जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत ख़राब जनता के सामने आने वाली है। मायावती ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बीएसपी को सत्ता में लाने के लिए खूब जोर लगाया है। चौथे चरण में यूपी की 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।